नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण ठाकुर आज आपके पाठ्यक्रम 507 की छठी इकाई विद्यालय और शिक्षक के विषय बदलते विद्यालयी परिदृश्य और शिक्षक के लिए चुनौतियां विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। शिक्षार्थियों, जब हम बदलते विद्यालयी परिदृश्य की बात करते हैं तो एक नज़र हमें भारत में शिक्षा के विकास व विद्यालयों की स्थिति में जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई है इस पर डालना आवश्यक है। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि अपने देश में विद्यालयों का संचालन जो किया जाता है अलग अलग संस्थाओं अलग अलग प्रबंधन के माध्यम से, तो वे कितने प्रकार के होते हैं। भारत में सामान्यतया विद्यालयों के प्रकार तीन स्तर पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एक तो शिक्षा के स्तर के आधार पर, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय होते हैं, माध्यमिक और प्रारंभिक में प्राथमिक उच्च प्राथमिक भी कहलाते हैं, माध्यमिक होते हैं और उच्चतर माध्यमिक होते हैं। प्राथमिक विद्यालय सामान्यतया कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा देने वाले विद्यालय को कहते हैं। वहीं प्रारंभिक विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जहां पर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं तक की, छठी क्लास से लेकर के 10वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था होती है। तो यह तो शिक्षा के स्तर के आधार पर विद्यालयों का वर्गीकरण हुआ। अब प्रबंधन के आधार पर, अर्थात कि जो विद्यालय होते हैं उनको चलाने वाले लोग या चलाने वाली संस्थाएं कौन सी होती है, इसके आधार पर भी वर्गीकरण हम करते हैं। इसमें सामान्यतया अपने देश में एक जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम करें, व्यापक वर्गीकरण करें, तो कुछ एक तो निजी विद्यालय होते हैं जिसका प्रबंधन पूर्णतः निजी व्यक्तियों के समूहों या निजी क्षेत्रों या जैसे सोसाइटी रजिस्टर्ड की जाती है या ट्रस्ट रजिस्टर्ड किए जाते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो इस तरह से कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा संचालित तो होते हैं पर उनको अनुदान सरकार के द्वारा मिलता है, तो ये एडेड, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय कहलाते हैं। और कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं अधिकांशतया जो सरकारी विद्यालय होते हैं जिनका प्रबंधन, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति और उनके तमाम मानक इत्यादि संपूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं। इस वर्गीकरण में कुछ और वर्गीकरण हम देख सकते हैं, राज्य सरकारों के द्वारा नियंत्रित विद्यालय या केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित विद्यालय, पर अभी हम मूलतः इन्हीं तीन वर्गीकरण को समझने की चेष्टा करते हैं कि प्रबंधन के आधार पर ये तीन प्रकार के ब्रॉड क्लासिफिकेशन विद्यालयों के किए जा सकते हैं। और जो तीसरा आधार है विद्यालयों के वर्गीकरण का, वह है शिक्षण की माध्यम भाषा के आधार पर। आपको मालूम ही है कि खास करके यह देश उपनिवेश के तौर पर इसने तकरीबन 300 वर्ष व्यतीत किया है अंग्रेज़ों के उपनिवेश के तौर पर, और इसलिए प्रारंभ से ही यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के प्रति खास करके शासक वर्ग के लोगों ने एक रुझान उत्पन्न किया और इसलिए अभी भी वह रुझान जारी है। और इसका एक परिणाम यह भी है, सकारात्मक या नकारात्मक की हम चर्चा नहीं कर रहे, पर अधिकांश विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दीक्षा की प्रक्रिया को अपनाते हैं और संचालित करते हैं। तो वे विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सामान्यतया अपने देश में जितने भी पब्लिक स्कूल्स कहलाते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं। और जो दूसरी श्रेणी है विद्यालयों की, वह वे विद्यालय होते हैं जो कि मातृभाषा पर आधारित माध्यम होता है शिक्षा का, शिक्षण का, या क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित होता है। अगर कहीं जैसे तमिलनाडु में विद्यालय हैं तो उनकी जो शिक्षण भाषा है वो तमिल है, या कर्नाटका में है तो कन्नड़ भाषा में ही उनकी शिक्षा का मुख्य माध्यम निर्धारित किया जाता है।
महाराष्ट्र में ऐसे विद्यालय हैं जो सरकारी हैं और मराठी मुख्य माध्यम भाषा होती है उनके शिक्षण की। तो यह वर्गीकरण विद्यालयों के जो हमने अभी उसको देखा, अलग अलग स्तर पर होते हैं विद्यालय। यह चर्चा यहाँ पर इसलिए भी आवश्यक है कि एक शिक्षक होने के नाते हम यह समझने की चेष्टा करें कि किस किस प्रकार के विद्यालय होते हैं और कहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना शिक्षकों को करना पड़ता है। शिक्षार्थियों, इससे पहले कि हम वर्तमान विद्यालयी परिदृश्य और शिक्षकों के लिए चुनौतियों की ओर आगे बढ़ें, एक नज़र मैं चाहूँगा कि इस पर हम दें कि भारत में साक्षरता की स्थिति क्या रही है। देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो जनांकीय गणना हुई 1951 ईस्वी में, उस समय में देश में साक्षरता का प्रतिशत कुल 16.67 था, जिसमें कि पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत 24.95 और महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 9.45 था। यह अगर हम देखें तो बहुत ही कम था। अगर वर्तमान स्थिति में देखें, जो विगत जनगणना हुई वर्ष 2011 में, उसके आधार पर हम देखते हैं कि भारत में साक्षरता का कुल प्रतिशत 74.04, जिसमें कि महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 65.46 है और पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 82.14% रहा है। यद्यपि इस जनगणना को हुए भी तकरीबन 7 वर्ष गुजर गए हैं, साक्षरता दर में और वृद्धि अवश्य हुई होगी, लेकिन हम पाते हैं कि देश में साक्षरता का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ा है और यह साक्षरता का प्रतिशत इस बात की ओर इशारा करता है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले लोगों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अगर हम आज़ादी के बाद के परिदृश्य को देखें और अब के परिदृश्य को समझने की चेष्टा करते हैं, ये जो पढ़ने वाले विद्यालय जाने वाले बच्चों की प्रतिशत या उनकी संख्या की हम बात करें, तो हम पाते हैं कि 1950-51 में कुल हम देखते हैं कि 19.2 मिलियन संख्या थी बालक और बालिका मिला करके, जिसमें 13.8 मिलियन बालक और 5.4 मिलियन बालिकाओं की संख्या थी जो कि प्राथमिक विद्यालय में थे। उसी प्रकार से मध्य एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2.6 मिलियन बालक, 0.5 मिलियन बालिका, कुल 3.1 मिलियन की संख्या थी मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल जिसे हम कहते हैं, या उच्च प्राथमिक विद्यालय में। और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हम पाते हैं कि यह संख्या और भी कम हो जाती थी, 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन बालक और 0.2 मिलियन बालिकाएं, कुल मिलाकर के 1.5 मिलियन बच्चे माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ते थे। यह आंकड़े सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, यह भी बताते हैं कि प्राथमिक कक्षा से पढ़ाई शुरू करके उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक पहुँचते पहुँचते बहुत से बच्चे विद्यालय से निकल जाते थे, यानी कि उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती थी। हम देख सकते हैं कि 1951 ईस्वी में 19.2 मिलियन बालक बालिकाओं ने जो प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त करनी प्रारंभ की, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या 1.5 मिलियन रह जाती है। यह एक विचार का विषय है, यह एक चिंता का विषय है। यही स्थिति हम 2010-11 के आंकड़ों में भी पाते हैं, उत्तरोत्तर घटती हुई संख्या बच्चों की प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक पहुंचने की। तथापि एक बात यह हम पाते हैं कि 2010-11 में 1950-51 की तुलना में पढ़ने वाले या स्कूल में नामांकन कराने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लगभग 7 गुना बच्चे बढ़े हैं इसमें। यह आंकड़े भी पुनः अध्यापकों के समक्ष भी एक चुनौती उत्पन्न करते हैं। पहले के जो विद्यालय होते थे उसमें शिक्षा की प्रकृति पर हम अगर चर्चा करें तो हम आप
संभवतः आप में से कुछ लोग इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से अवश्य गुजरे होंगे, यद्यपि अब धीरे धीरे जाकर के वैसी व्यवस्था में कमी आई है कि पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी या पुरानी कक्षा जो हमारी विद्या होती थी विद्यालयों में, वह अध्यापक केंद्रित शिक्षक केंद्रित कक्षा होती थी। शिक्षक केंद्रित कक्षा का मतलब शिक्षक पूरी तरह से कक्षा के संपूर्ण काल में हावी रहते थे, अपने अध्यापन के दौरान बच्चों को बोलने का प्रश्न पूछने का अवसर बहुत ही कम मिल पाता था। अध्यापक ने जो चाहा वो पढ़ा दिया, बच्चों ने अगर अपने मन की उत्सुकता और वो उत्सुकता अगर बहुत अधिक बढ़ रही है तो अगर उसे प्रकट किया तो कई बार उसे डांट खानी पड़ जाती थी। कठोर अनुशासन कहा जाता था कि यह अनुशासन है। पुराने जमाने में एक बात यह कही जाती थी कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि डंडा अगर आपने छोड़ दिया हाथ से तो बच्चा बिगड़ गया। ऐसी धारणा के साथ शिक्षा की प्रक्रिया चलाई जाती थी, यानी कि अगर बच्चा बहुत उत्सुक है, कौतूहल है, वो थोड़ी सी भी कक्षा में अगर उसने असंतुलन उत्पन्न किया कि तुरंत अध्यापक के द्वारा उसकी पिटाई हो जाती थी। एक बात और थी कि पुरानी प्रक्रिया में, पुरानी अवधारणाओं में जो पढ़ने और पढ़ने के परिणाम की अवधारणा थी लोगों के मन में, तो उसमें रटकर सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। यानी कि आपने उस चीज़ को, किसी भी पाठ्य विषय को, पाठ्य वस्तु को कितना समझा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता था संभवतः, जो कि जिस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग करके जिस भाषा में अध्यापक ने बताया है, अगर बच्चे परीक्षा में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके उत्तर लिखते थे, जो पूरी तरह से रटंत विद्या पर आधारित ज्ञान होता था, तो वो अधिक सराहनीय कार्य माना जाता था। और जाहिर सी बात है कि जब शिक्षक केंद्रित कक्षा हो, कठोर अनुशासन की स्थिति हो, रटकर सीखने पर बल हो, तो शिक्षक बहुत अधिक विचार विमर्श की पद्धति पर शिक्षण कार्य तो करेंगे नहीं। तो जो मुख्य विधि होती थी वो व्याख्यान विधि होती थी, लेक्चर मोड में, कि अध्यापक आए, 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट की कक्षा है तो बस वो धारा प्रवाह, जो भी पाठ्य विषय है, पाठ्य वस्तु है, उस पर उन्होंने प्रवचन दिया, बच्चों ने शांति से उसको सुना। अगर बच्चे शांति से सुन रहे हैं, बेशक उस ओर बच्चे ध्यान दे रहे हैं या आंखें खुली है, दिमाग कहीं और है, कोई बात नहीं, पर अगर वो शांत हैं तो शिक्षक को लगता था कि बहुत ही ध्यान से बच्चे सुन रहे हैं, और शिक्षक ने अपना व्याख्यान समाप्त किया और संतुष्ट होकर चले जाते थे। तो यह तो हुई पुराने ज़माने में जो विद्यालय में शिक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती थी और जो कक्षा का वातावरण होता था। जो बदलाव आए अपने देश में विचारकों ने, नीति नियंताओं ने, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के, नए नए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जिन शिक्षण विधियों की वकालत की, तो शिक्षा की प्रक्रिया में भी बदलाव आए, शिक्षा की योजना में भी काफ़ी बदलाव आए। और जैसा कि आपने पीछे के आंकड़ों में देखा कि आज़ादी के बाद जो साक्षरता का प्रतिशत था उसमें काफ़ी अधिक वृद्धि हुई, 2010-11 के आंकड़ों को जब हम देखते हैं और तुलना करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में जब अपनी सरकार बनी, यहाँ के लोगों ने, जो इसी समाज के लोग थे, शासक वर्ग के लोग, यहाँ के यथार्थ को जानते थे, तो उन्होंने अनेक उद्यम किए, अनेक उपक्रम किए, जिसके माध्यम से कि विद्यालयी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। यद्यपि 1986 से पहले भी सरकारों ने कई प्रयत्न किए, कई कमीशन, कई आयोग, इन सब ने शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षा की प्रक्रिया को बदलने के लिए कई उपाय सुझाए, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक माइलस्टोन के तौर पर साबित हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय विद्यालयी व्यवस्था में, जिसके आधार पर जो अभी तक 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको अपनाया गया पूरे देश में। एक और बात की गई कि पहले बहुत बड़ी खाई थी
पढ़े लिखे लोगों में और जो विद्यालय से दूर हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं उन लोगों में। तो एक योजना बनाई गई जिसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण की योजना प्रारंभ हुई और उसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षाकर्मी परियोजना, आंध्र प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, महिला समाख्या, लोक चुंबिस प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट आदि कई योजनाएं बहुत ही जोर शोर से देश में प्रारंभ की गई। तकरीबन 172 जिलों में या उससे भी ज़्यादा काफ़ी संख्या में विद्यालयों में इन योजनाओं को प्रारंभ किया गया, जिससे कि यह प्रयत्न गंभीरतापूर्वक यह प्रयत्न किया गया कि देश के कोने कोने में सभी बच्चे जो कि पहले निरक्षर रह जाते थे, विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, शिक्षा उन तक पहुंचे और शिक्षा की पहुंच उन तक हो, वो न सिर्फ साक्षर हो बल्कि तमाम शिक्षा के नीति नियंताओं द्वारा निर्धारित मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL जिसे कहते हैं, एक रीडिंग राइटिंग और एरिथमेटिक में एक निश्चित स्तर तक का ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपनी विद्यालयी शिक्षा तो कम से कम अवश्य पूर्ण कर सकें। तो यह प्रयत्न शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से किया गया। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयत्न अपने देश में रहा है, जिसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव भी पड़ा है। हम यह देखते हैं कि विद्यालयी परिदृश्य में जो परिवर्तन आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रादुर्भाव के बाद, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की योजना के बाद, उसमें इन समस्त उपक्रमों का उद्देश्य छात्र केंद्रित शिक्षण उपागम, जहां पर पहले अध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती थी, इन योजनाओं के माध्यम से छात्र केंद्रित शिक्षण उपागम यानी कि विद्यार्थी प्रधान शिक्षण की प्रविधि विधि को अपनाई जाए, इसका प्रयत्न किया गया। कक्षा का वातावरण ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटर वाला ना हो करके लोकतांत्रिक हो, यानी कि बच्चे भी, उनके मन में अगर कुछ बात आ रही है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, अध्यापक से बिना डर के वो अपने मन की बात पूछ सकें, ऐसा उपक्रम, ऐसा उपागम अपनाया गया। साथ में एक और प्रयत्न किया गया, ऐसा देखा जाता रहा है कि समाज में ही नहीं विद्यालय में भी भेदभाव, अलग थलग, अलग अलग वर्ग के बच्चों को अलग थलग करने की एक अप्रत्यक्ष प्रणाली विकसित हो गई थी। तो यह प्रयत्न किया गया कि विद्यालय हमारे जो हों वो समावेशी हों, ऑल इंक्लूसिव हो, सामान्य बच्चे, कुछ विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे, कुछ दिव्यांग बच्चे या अन्य श्रेणी के कुछ उपेक्षित बच्चे जो कि मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाते थे और विद्यालय आकर के भी कई बार वो धीरे 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 अलग हो जाते थे मुख्य धारा से, उन सबको शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण समावेशी शिक्षा देने वाला हो, यह उद्देश्य इन तमाम परियोजनाओं का था। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की परियोजना के अंतर्गत ही सर्व शिक्षा अभियान जो कि वर्ष 2000-2001 में प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम हम देखते हैं कि आज जो शिक्षा की वर्तमान स्थिति है अपने देश में, उसमें 14.5 लाख प्रारंभिक विद्यालय हैं, 19.67 करोड़ बच्चे नामांकित हैं और 66.27 लाख शिक्षक उसमें नियुक्त हैं उन विद्यालयों में। इस सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख कार्यों में विद्यालयों के लिए भौतिक संसाधन, जिसमें कि भवन, शिक्षक प्रशिक्षण, अकादमिक संसाधन, छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री, कंप्यूटर, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तक आदि की व्यवस्था करना, शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यह सब हुआ। मित्रों, जो शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के पश्चात उसके उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए जो अगला मील का पत्थर विद्यालयी परिदृश्य में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, वह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा
राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसे कहते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में आया, जिसके अंतर्गत सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यह सुनिश्चित किया गया अनेक प्रावधानों के माध्यम से, जिसका नतीजा यह हुआ कि 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन प्रतिशत अभी 82 है अपने प्रारंभिक विद्यालयों में, लेकिन कक्षा 8 से पूर्व के बच्चों की स्थिति यह है कि अभी भी लगभग 50% बच्चे अपनी शिक्षा अधूरी ही रख पाते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते। कई कारण हैं इसके। तो हम जो वर्तमान बदलाव आए हैं विद्यालयों की स्थिति में और बच्चों को जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो हम पाते हैं कि जो पाठ्यक्रम है अभी भी, उन पाठ्यक्रमों में अलग अलग राज्य के भी अपने बोर्ड हैं और केंद्र का भी अपना एक CBSE के माध्यम से जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी अभी भी बच्चों पर पाठ्यक्रम का अत्यधिक दबाव रहता है। पाठ्यक्रम की जो संरचना है, जो रूपरेखा है, उसमें हम पाते हैं कि कई बार बच्चों के सामाजिक परिवेश और पाठ्यक्रम की संरचना में असंतुलन होता है। उसमें जो बातें रहती है और बच्चे जो अपने सामाजिक परिवेश से जिसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनमें वो असंतुलन पाते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभी तक अभाव रहा है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया और बेहतर बने, यह भी अभी इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि पूर्णत्व इसमें भी अभी नहीं आया है। और कई ऐसे मान्यता प्राप्त नहीं है विद्यालय, निजी विद्यालय हैं, अंग्रेजी विद्यालय का बोर्ड लगा देते हैं और उसके माध्यम से भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे आ गए हैं जो कि बच्चों को आकर्षित करते हैं और बच्चे उधर चले जाते हैं, गुणवत्ता शिक्षा में होती नहीं और बच्चे उसमें पिसते रहते हैं। तो शिक्षकों के लिए जो चुनौतियाँ हैं इन तमाम परिदृश्य में, इन तमाम परिस्थितियों में, एक तो यह है कि विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़े अभी भी, और नामांकन बढ़े ही नहीं बल्कि रिटेंशन भी हो रहे, बच्चे अधूरी शिक्षा मतलब बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ करके ना जाए, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों के लिए यह भी चुनौती है कि अभिभावकों से नियमित संपर्क बनाएं और बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें, और विद्यालयों के समग्र संचालन का दायित्व SSA एवं RTE के माध्यम से शिक्षकों को पर ही सौंपा गया है, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे छात्र केंद्रित शिक्षण उपागम को सुनिश्चित करें। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है कि शिक्षकों को अपनी भूमिका को समझें, अपनी भूमिका उनकी क्या है, जहां बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है उसमें वे हावी ना हों, व्याख्यान मोड में ना जाएं, बल्कि वे छात्रों को पृष्ठभूमि में जाकर छात्रों को आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, उनमें सोचने की क्षमता विकसित करें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुरूप जो रचनावादी उपागम की वकालत की गई है, उसकी मूल भावना को आत्मसात करते हुए शिक्षण पद्धति में बदलाव लाएं, छात्रों के प्रति संवेदनशील रहें, उनकी वैयक्तिक विशिष्टता और आवश्यकता को समझ कर उनकी सहायता करें और उनकी पहचान को उजागर करने हेतु वातावरण ऐसा बनाए जो प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता और रुचियों को समृद्ध करता है। ये सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसे शिक्षक अगर अपनाएं तो वो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।